प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आपके बच्चे का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है तो उसको पढ़ने और लिखने में मन लग जाएगा। बच्चों देखो, नर्वस बिल्कुल नहीं होना, मैं हूं तो आपके बच्चे को पढ़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा और सीखना भी आएगा। आपका बच्चा टैलेंट होगा। तो आज हम पहले सबसे पहले सिखाते हैं कि हमें लिखना कैसे है। देखिए, लिखने का अंग्रेजी के चार तरीके होते हैं, अंग्रेजी में चार तरीके लिखने होते हैं, लेकिन पहला जो होता है वो प्रिंटिंग कैपिटल लेटर होता है। प्रिंटिंग कैपिटल लेटर का काम क्या है कि जो किताबों में छपा होता है वो प्रिंटिंग कैपिटल लेटर में रहता है। जो बड़े अक्षर होते हैं किताबों में छपा हुआ वो प्रिंटिंग कैपिटल लेटर रहता है, और जो छोटे अक्षर होते हैं प्रिंटिंग स्मॉल लेटर होते हैं। तो उसको तो मुझे लिखना नहीं सिखाना ज्यादा, बच्चा लिखना जान जाए बट उसका यूज हम लोग लिखने में नहीं करते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे प्रिंटिंग कैपिटल लेटर। तो बहुत आसान है और ये बच्चों के सीखने का पहला सीढ़ी है, इसमें मजा आएगा, आप लोग एंजॉय के साथ सीखेंगे। तो देखो, ये देखिए, ए जो है ए में क्या सिंपल सी ही, यहाँ देखिए ऐसे लाइन खींचना है और एक ऐसे लाइन खींचना है और ए बन गया। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अंग्रेजी जो कॉपी होती है उसमें चार लाइन होती है, 1 2 3 4, और तीन खाने होते 1 2 3। तो आपको क्या करना है कि केवल ऊपर के दो खानों में ही लिखना है और तीन लाइनों को ही टच करना है। पूरी प्रिंटिंग कैपिटल लेटर ऐसे ऊपर के तीन लाइन को टच करना है, बस और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल है, सीखना आएगा मजा। तो ए ऐसा लग रहा है कि दो टंगरी है और इसके बीच में कोई वो लगा दिया है तो ए बन गया है। अब हम बनाते हैं बी। बी देखिए, यहाँ पे एक सीधी लाइन और बी से ऐसे खींच देंगे और इसमें मिला देंगे, ये बन गया बी। बी तो समझ में आ रहा है क्या बना हुआ है ना, मजा आ रहा है। चश्मे का भी थोड़ा सा आकार है बी, अगर हम लोग उल्टा चश्मा ये ऊपर फ्लैट रखे और नीचे चश्मा तो चश्मा जैसा है, उठा के हम चश्मा लग गए। सी, अब अगला मोड सीखते हैं सी। सी देखो, गोला बनाना है, ऐसा गोला बनाना बट ये पूरा मिलाना नहीं है, ये सी बन गया। सी के बाद डी, यहाँ देखिए डी, डी फॉर डॉग होता है डी, ये आपको पता है अर्धवृत्त, पता है एक गोला का आधा हिस्सा है डी। डी के बाद हम लोग बनाएंगे ई, यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचेंगे और उसके बाद ये आधा लाइन, ऐसे आधा लाइन और ऐसे, ई बन गया। क्या बन गया बच्चों? ई बन गया, ई फॉर एलिफेंट। फिर ई के बाद आता है एफ। एफ में देखिए एक बार ई जैसा ही एफ है, मतलब ये नीचे वाला लाइन नहीं रहेगा। आप एफ एफ, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मुझे मालूम है आप लोगों को। मैं एफ के बाद आता है जी। जी देखिए एकदम सी जैसा ही बनाना है बट ये वाला नीचे थोड़ा दबा देना है आपको पहले। देखिए ऐसे बनाएंगे हम लोग, यही देखो, उसके बाद ऊपर ले जाएंगे फिर उसके बाद ऐसे, ये आपका जी बन गया। ठीक है, जी बन गया ना, थोड़ा सा बोर्ड है सरक रहा है लेकिन आप सीखिए। जी के बाद ये एच बहुत आसान है, देखो दो लाइन खींचना है और इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ देना है, एच बन गया। मजा आ रहा है ना, मुझे मालूम है मजा आ रहा है। एच एच के बाद आता है आई। आई देखिए ऐसे आई, एक खड़ी लाइन, बस सिंपल आई। आई के बाद आता है जे, यहां देखिए जे, जे में देखिए ऐसे छाता है, छाता जैसा, छाता का जो पीछे वाला नीचे वाला डंडा होता है उस तरह ये है और ऊपर देखो मान लो छाता बना हुआ है जे। जे के बाद होता है के देखिए एक लाइन खींचेंगे और हम लोग यहाँ इस बीच से यहां मिला देंगे और यहाँ के बन गया। के बाद एल, देखो बच्चों जब हम लोग मजे के साथ सीखते हैं तो हमें मजा आता है सीखने में। देखो बोर मत होना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने को, मैं सिखाऊंगा आपको, लिखना आएगा, बिल्कुल आएगा। एल, एल के बाद देखिए क्या आता है एम। एम देखो, एम में दो लाइनें से आप लोग खींच देना ऐसे और यहां से यहां मिला देना, ये एम मिला देना, एम हो गया। एम के बाद क्या आएगा एन, एन के
हैंड में देखिए क्या होता है, एक लाइन ऐसे कीजिए खड़ी और फिर ऐसे पड़ी, मतलब यहाँ से ऐसे भी ले जा सकते हो आप और यहाँ दोनों ऐसे लेगा कि तीसरा लाइन मिलाकर, ठीक है। एन एन के बाद ओ, ओ तो बहुत ही सिंपल है, गोला टाइप में बनाएंगे आप हमसे भी बेटर बनाओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप मुझसे बेटर बना। ओ के बाद आता है पी, पी देखिएगा ऐसे लाइन और ऊपर ऐसे गोल अर्ध गोला बना देंगे, पी हो गया। पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू देखो ओ जैसा क्यू भी बनाएंगे हम लोग, ओ जैसा बना दिए, बट ये क्या है यहाँ नीचे ऐसे एक लाइन खींच देंगे छोटा सा, क्यू बन गया, क्यू भर क्वीन। आर उसके बाद आर बनाते हैं, आर में एक सीधा लाइन और ये देखो पी जैसा बन गया, ये पी जैसा बन गया और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे आर बन गया। आर मजा आ रहा ना, मजा आ रहा। आर के बाद आता है यस, ये आप देखो जैसे सांप ऐसे घूमा घूम रहा है, सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे आप लोग भी कर लोगे। यस यस के बाद टी, टी में देखो एक ऊपर लाइन खींचे ना और एक इसके बीच बीच यहाँ लग गया, टी हो गया। टी, टी के बाद आता है आपका यू फॉर अम्ब्रेला, यू वेरी सिंपल, यू ऐसे घुमादार होगा अच्छा लगे। यू के बाद आता है वी, वी देखिए यहाँ पे ऐसे तिरछा लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे तो आपका वी बन गया, यू वी। फिर ऐसे डब्लू आ रहा ना मजा, एम का उल्टा डब्लू हो गया, एम का उल्टा डब्लू हो गया। डब्लू के बाद आता है एक्स, एक्स एक्स के बाद आएगा वाई, वाई में देखो ऐसे बहुत बच्चे क्या आते हैं उल्टा बना देते हैं, ये वाली लाइन इधर से खींच देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना ऐसे ही बनाना। वाई के बाद क्या आता है बच्चों, जेड, जो आखिरी वर्ड है जेड। तो ये बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल मत घबराइए, हमारे साथ जरूर सीखिए, इस वीडियो को 4-5 बार देखिए और बार बार इसको बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, कोई नया तरीका बनाए तो मैं नए तरीके का वीडियो बनाकर आपको जरूर सिखाऊंगा। अब मैं बिना सिखाए हुए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, एक एक बच्चे को मैं ABCD लिखना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, XYZ मैं सब सिखाऊंगा, लेकिन आप पूरे ध्यान से और इंजॉय के साथ वीडियो को देखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जरूर सीखिएगा और इस वीडियो को बार बार देख करके बार बार सीखिए और आपको आएगा, पलट से आएगा, क्यों नहीं आएगा, इस दुनिया में क्या है जो इंसान नहीं कर सकता है, कर लेगा। ठीक है, बाय।